नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में प्रत्येक टीम के पास 90 करोड़ पर्स में होंगे। हर टीम को अधिकतम 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की सुविधा दी गई है। प्रत्येक खिलाड़ी के साथ नीलामी में उतरने की रकम में कटौती होती जाएगी। टूर्नामेंट में पहले से खेल रही आज टीमें 30 नवंबर तक अपने रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करेगी। लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें हैं जो आईपीएल 2022 में हिस्सा लेंगी। इन टीमों के मेगा ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ियों को चुनने की सुविधा होगी। अगले सीजन में होने वाले मेगा ऑक्शन को जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत में कराया जाना है। 30 नवंबर को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से आईपीएल की 8 टीमों द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की जाएगी। स्टार स्पोर्ट्स 1, HD1, हिंदी 1, हिंदी 1 HD एंड हॉटस्टार। 3 स्टार खिलाड़ियों को किया गया रिटेन। कोलकाता नाइट राइडर्स, आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश आयर। चेन्नई सुपर किंग्स, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली। सनराइजर्स हैदराबाद, केन विलियमसन। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल। दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत, पृथ्वी शाह, अक्षर पटेल, एनरिच नाखिया। राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन। पर्स पर रिटेन खिलाड़ियों से पड़ेगा असर। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताजा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताजा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।